नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका भारत साझेदारी फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत की चीन से कड़े शब्दों में अपील, सीमा क्षेत्रों में तेजी से शांति बहाल करने के प्रयासों में ईमानदारी से सहयोग करें। वित्त मंत्री ने कोविड संकट के कारण ऋण समाधान रूपरेखा लागू करने की तैयारी की समीक्षा के लिए अनुसूचित बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ बैठक की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 77.09% हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य पार, इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक 3000 किलोमीटर से ज्यादा राजमार्ग बनाया गया। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका भारत साझेदारी फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति पर विचार किया जा रहा है। इस 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन में शीर्ष स्तर के राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, व्यापार जगत से जुड़े व्यक्ति विशेष भाग ले रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन का विषय है यूएस इंडिया वीक, नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। इसमें कई विषय शामिल किए गए हैं, जैसे एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में भारत की संभावनाएं, भारत के गैस बाजार में अवसर, भारत में FDI आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तकनीकी क्षेत्र में समान अवसर और चुनौतियां, भारत प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक मुद्दे और सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवाचार। अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम USISPF एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए कार्य करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत ने कहा है कि पिछले 4 महीनों से सीमावर्ती क्षेत्रों में जारी स्थिति चीन की गतिविधियों का परिणाम है, जो एक तरफा यथास्थिति को बदलने का दुष्प्रयास कर रहा है। भारत ने चीन से अपील की है कि वह इन क्षेत्रों में तेजी से शांति बहाल करने के भारतीय प्रयासों में ईमानदारी से सहयोग करे। भारत ने चीन को सेनाएं पीछे हटाने और तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों को अंजाम न देने का सुझाव दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि समस्याओं का समाधान राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से बातचीत के जरिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सभी मुद्दों का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि चीन की गतिविधियों से द्विपक्षीय समझौतों और वायदों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि इन समझौतों की बदौलत करीब 3 दशक से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनी हुई है। श्री अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ग्राउंड कमांडर स्थिति के समाधान के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। उन्होंने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति की याद दिलाई। इसमें कहा गया था कि दोनों देशों को सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति से निपटने के लिए जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और उकसाने वाली कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारत अपनी सीमाओं पर शांति और स्थायित्व चाहता है। अमरीका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम में जनरल रावत ने कहा कि चीन के उकसाने वाले प्रयासों के बावजूद भारत ने इन प्रयासों को रोकने और नियंत्रित करने के समुचित उपाय किए हैं। चाइनीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद पाकिस्तान इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर अलॉन्ग विद कंटिन्यूड मिलिट्री इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट मैंडेट्स हाई लेवल्स ऑफ प्रिपरेशन बाय अस। एट द सेम टाइम दिस ऑल्सो पोजेस द थ्रेट of coordinated action along the northern and western fronts, which we have to consider in our defense planning. Therefore, considering the threat from our northern and our western borders, we have devised strategies to deal with a primary front, depending on which front we wish to address as being primary, considering the other front as secondary. We have earmarked forces for that, and we have conceptualized our strategies to deal with such threat scenarios emerging on both our borders. जनरल रावत ने कहा कि भारत और अमरीका ने बहुत से रक्षा समझौते किए हैं और निकट भविष्य में इस तरह के कई समझौते किए जा सकते हैं। उन्होंने आशा जताई कि दोनों देशों के बीच बेहतर रणनीतिक समन्वय स्थापित होगा। जनरल रावत ने सशस्त्र सेनाओं से किसी भी तात्कालिक खतरे से निपटने के लिए मुस्तैद रहने और भविष्य को देखते हुए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि देश की सीमा पर तैनात जवानों को कोविड संक्रमण से मुक्त रखने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाने चाहिए।
थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख के दो दिन के दौरे पर आज लेह पहुंचे। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन की सेना के साथ भारतीय सेना की ताजा झड़प के बाद सेना प्रमुख वहां गए हैं। 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने चीन की सेना की घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया था। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच चुशुल सीमा पर 31 अगस्त से 3 दिन तक ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई। इस मुद्दे का समाधान कर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में शांति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। इस घटना के मद्देनजर जनरल नरवणे का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे लेह पहुंचने के तुरंत बाद अग्रिम चौकियों पर गए। वे वहां मौजूद सुरक्षा बलों के साथ तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बाद में वे लेह मुख्यालय जाएंगे, जहां उन्हें स्थिति की जानकारी दी जाएगी। अग्रिम चौकियों के दौरे के दौरान 14वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी जनरल नरवणे के साथ हैं। भारत ने कहा है कि वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्षेत्र सहित देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वागत करता है और इसे स्वीकार करना जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस बारे में कंपनियों को सरकार के नियामक फ्रेमवर्क का अनुपालन अवश्य करना होगा। मोबाइल ऐप पर रोक लगाने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत सर्वाधिक मुक्त और उदार नियमों वाले देशों में से एक है। इसमें इंटरनेट कंपनियों और डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनियों का निवेश भी शामिल है, लेकिन उन्होंने कहा कि डिजिटल कंपनियों को भारत में काम करते समय संबद्ध मंत्रालयों और विभागों के नियमों और विनियमों का जिम्मेदारी के साथ पालन करना होगा। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर इस महीने के अंत में मॉस्को में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। रक्षा विशेषज्ञ और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक उदय भास्कर ने भारत की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की सराहना करते हुए चीन के 118 से अधिक ऐप पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है। भारत की तरफ से ये जो पहल है चीन के अप्लायंसेस को बैन करना और खास PUBG जैसे जो अप्लायंस है, ये एक बहुत सख्त कदम है और काफी चतुराई के साथ भारत ने ये पहल किया है। कारण ये क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के आधारित चीन के तकनीकी कंपनी, खास जो साइबर और एंटरटेनमेंट के दुनिया में जो वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने बहुत फायदा प्राप्त किया है। इसमें भारत के जो यूजर्स या जिसको इंस्टॉलेशंस कहते हैं वो करीब 25% है, यानी कि चौथाई है। तो अगर भारत जैसे देश इसको बैन करेगा तो चीन के ऊपर जरूर असर होगा कि उनके जो पैसा है, उनका जो भंडार है इस क्षेत्र से, वो धीरे धीरे सिकुड़ सकता है। क्वाड देशों के सदस्य के रूप में भारत की स्थिति के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में उदय भास्कर ने कहा कि लद्दाख में दक्षिण पेंगोंग झील क्षेत्र में चीन की सेना की उकसाने वाली कार्रवाई पर भारतीय सेना को जवाब बहुत ही पेशेवराना है। उन्होंने भारत की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी सराहना की। भारतीय फौज ने जो कार्रवाई किया है पेंगोंग तालाब के दक्षिणी ओर पे, ये एक संकेत है चीन के लिए, जिसमें दृढ़ता भी है और जिसमें भारतीय फौज की विश्वसनीयता है वो भी साबित कर रहा है। चीन के अगर कोई अभी ऐसे इरादे हैं कि वो और इंट्रूजन कर सकें तो भारत ने उसको एक प्रकार से रद्द कर दिया है या उसको फॉइल कर दिया है। तो ये एक ही ऑपरेशन में भारत ने अपनी फौज की प्रोफेशनलिज्म या विश्वसनीयता और साथ साथ जो राजनीतिक दृढ़ता और इरादे जो हैं वो हमने साबित किया है। साइबर विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने कहा है कि चीन के ऐप पर भारत के प्रतिबंध से चीन की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। आकाशवाणी से बातचीत में श्री दुग्गल ने कहा कि इन एप्लीकेशन का वैश्विक मूल्य 50-60% तक गिर गया है। उन्होंने कहा कि इन ऐप से हजारों करोड़ रुपए कमाए जाते थे। उन्होंने कहा कि इन ऐप के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा भारत से बाहर जाता था। सरकार ने कल से पबजी सहित 118 मोबाइल एप्लीकेशन पर रोक लगा दी थी। इन एप्लीकेशन को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक माना गया है। इससे पहले जून में भी भारत सरकार ने टिकटॉक और हेलो लाइट सहित 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन में कल संगठन के सभी 8 सदस्य देशों के रक्षा मंत्री आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के तौर तरीकों सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में विचार विमर्श करेंगे। श्री राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगो के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। 3 दिन की इस यात्रा में वे सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन और तत्कालीन सोवियत संघ से अलग हुए स्वतंत्र
मित्र देशों के राष्ट्रकुल संगठन की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री ने रूस के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग तथा आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस समय चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़ जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा। यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था, लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष ₹5,00,000 तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए COVID-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 1-4-5-5-5 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने COVID-19 संकट के कारण ऋण समाधान रूपरेखा को लागू करने की बैंकों की तैयारी की समीक्षा के लिए आज अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में श्रीमती सीतारामन ने बैंकरों से कहा कि ऋणों की अदायगी से स्थगन हटाते समय कर्जदारों की मदद करने का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि COVID-19 संकट का दुष्प्रभाव कर्जदारों की पात्रता के आकलन पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे ऋण समाधान योजनाओं को 15 सितंबर तक तैयार करें और अपनी वेबसाइटों पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में अपलोड करें। बैंकों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि उन्होंने ऋण समाधान संबंधी नीतियां तैयार कर ली हैं और इस बारे में वे रिजर्व बैंक की निर्धारित समय सीमा का पालन करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत प्रतिरक्षण बढ़ाने वाले 8 उत्पादों की घोषणा की। इन उत्पादों की बिक्री देशभर के जन औषधि केंद्रों के माध्यम से की जाएगी। श्री गौड़ा ने कहा कि COVID-19 महामारी को देखते हुए इन नए उत्पादों से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ये उत्पाद बाजार में उपलब्ध वर्तमान उत्पादों की तुलना में 26% अधिक सस्ते हैं। श्री गौड़ा ने कहा कि जन औषधि केंद्रों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से ये उत्पाद अधिकांश जनता तक पहुंचेंगे और बेहतर स्वास्थ्य में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि देश के लगभग 6,500 जन औषधि केंद्रों में रोज लगभग 10 लाख मरीज उत्कृष्ट और सस्ती दवाएं खरीदने आते हैं। ये योजना मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए वरदान साबित हुई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका भारत साझेदारी फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत की चीन के साथ कड़े शब्दों में अपील, सीमा क्षेत्रों में तेजी से शांति बहाल करने के प्रयासों में ईमानदारी से सहयोग करें। वित्त मंत्री ने कोविड संकट के कारण ऋण समाधान रूपरेखा लागू करने की तैयारी की समीक्षा के लिए अनुसूचित बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ बैठक की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 77.09% हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य पार, इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक 3,000 किलोमीटर से ज्यादा राजमार्ग बनाया गया। देश में पिछले 24 घंटे में 68,584 व्यक्ति कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हुए। एक दिन में स्वस्थ होने वाले लोगों की यह संख्या सबसे अधिक है। स्वस्थ होने की समग्र दर में और सुधार आया है और यह 77.09% हो गई है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश में 29,70,000 से अधिक कोविड रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। यह संख्या उपचार करा रहे रोगियों की तुलना में 3.6 गुना अधिक है। कोविड से स्वस्थ होने वाले
रोगियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी से देश में कोविड मरीजों की मौजूदा संख्या में तेजी से कमी आई है और कुल संक्रमित व्यक्तियों में से केवल 21.16% रोगी बचे हैं जिनका उपचार चल रहा है। श्री भूषण ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटों में 11,72,000 नमूनों की जांच करके भारत ने कोविड 19 परीक्षणों में नया रिकॉर्ड भी कायम किया है। देश में कुल मिलाकर 4,50,00,000 से अधिक कोविड परीक्षण किए जा चुके हैं। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या में कोविड मरीजों की संख्या सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 2,792 लोग संक्रमित हैं, जबकि विश्व का औसत 3,359 है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड से सबसे कम मृत्यु हुई है। भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर संक्रमण से 49 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि विश्व का औसत 111 है। श्री भूषण ने कहा कि देश में इस समय इलाज करा रहे कोविड मरीजों में से 62% 5 राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हैं। देश में कुल संक्रमित लोगों में से 70% आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हैं। राजस्थान सरकार ने कोविड 19 के कारण राजस्व प्राप्तियों में आई भारी कमी को देखते हुए अपने खर्चों में कमी करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा कि वर्ष 2020-21 के बजट में कार्यालय खर्चों, यात्रा खर्च और कंप्यूटर रखरखाव, स्टेशनरी और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की छपाई के खर्च को 70% तक सीमित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। राजकीय कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राओं को न्यूनतम रखा जाएगा तथा बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। हवाई यात्रा के लिए अधिकारी इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा कर पाएंगे। नए वाहनों और उपकरणों की खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पूरी तरह राज्य निधि से बनने वाले नए कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं होगी। राजकीय भोज पर भी प्रतिबंध रहेगा। एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, अखिल भारतीय तथा राज्य सेवा के अधिकारियों तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का भी निर्णय किया है। इस राशि का उपयोग कोविड महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बृहन मुंबई नगर निगम ने कोविड 19 मरीजों की पहचान और इस संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए तात्कालिक उपाय के तौर पर फास्ट्रैक टेस्टिंग की शुरुआत की है। 8 घंटे में रिपोर्ट देने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट, 30 मिनट के भीतर परिणाम देने वाली रैपिड एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट के साथ ही नगर निगम ने आवास के टेस्ट के माध्यम से संक्रमण का और जल्दी पता लगाने का प्रयास शुरू किया है। नगर निगम ने शुरुआत के तौर पर मुंबई के लिए इसराइल की स्टार्टअप कंपनी वोक्लिस हेल्थ के साथ इस विषय में एक समझौता किया है। एक रिपोर्ट। कोविड 19 मरीजों का पता लगाने के लिए मुंबई के गोरेगांव में नेस्को मैदान में बने जंबो कोविड केयर सेंटर में वॉइस सैंपलिंग टेस्टिंग आधारित एक पायलट प्रोजेक्ट 1 सितंबर से शुरू हुआ। बीएमसी ने दी जानकारी के मुताबिक वॉइस सैंपल के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तकनीक की मदद से 1000 पेशेंट्स पर यह प्रयोग किया जा रहा है। बीएमसी का कहना है कि इस टेस्ट का रिजल्ट महज 30 सेकंड में उपलब्ध होता है। सेंटर में मरीज का वॉइस टेस्ट के साथ आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जा रहा है ताकि 100% परिणाम मिले। अगर यह प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो नगर निगम के अन्य हॉस्पिटलों में इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया के कई देशों में इस तरह वॉइस बेस्ड ऐप या टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में अहमदाबाद महानगर निगम द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बताया गया है कि कोविड 19 से ठीक हुए लोगों में से करीब 40% लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई है। निगम की विज्ञप्ति के अनुसार इस प्रकार लोगों को अब भी संक्रमण की संभावना है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि शहर को अभी भी इस संक्रमण से निजात नहीं मिली है। एक रिपोर्ट। अहमदाबाद नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बाविन सोलंकी ने कहा कि कोविड 19 संक्रमण के संबंध में किए गए दूसरे सर्वेक्षण में 10,000 लोगों को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि पहले के सर्वेक्षण में संक्रमण का दर 17.61 पाया गया था, जो दूसरे सर्वेक्षण में 23.24 पाया गया, जो डेढ़ महीने के अंतराल में 5.5% की वृद्धि दर्शाता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि शहर में कोई सामूहिक रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं बनी है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी
कम्युनिटी के लिए 70-80% संक्रमण को जरूरी माना जाता है। नगर निगम द्वारा कोविड 19 से ठीक हुए लोगों में रोग प्रतिरोधक शक्ति का पता लगाने के लिए एक और सर्वेक्षण भी किया गया। यह सर्वेक्षण के अनुसार संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों में से 40% ने अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति गंवा दी थी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केरल सरकार ने चेतावनी दी है कि राज्य में कोविड संक्रमण को लेकर अगले 2 सप्ताह बहुत संवेदनशील हैं। राज्य में संक्रमण के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आज तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य में संक्रमण की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अनलॉक 4 के तहत दी गई छूट और ओणम के त्यौहार को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। राज्य में संक्रमण के 1553 नए मामलों के साथ ही 1950 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। आज 10 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 315 हो गई है। इस समय संक्रमण के 21516 सक्रिय मामले हैं। नागालैंड में कोविड 19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार बेहतर हो रही है। ये राष्ट्रीय औसत 77.09 की तुलना में 81.50 हो गई है। राज्य में आज संक्रमण से 101 लोग ठीक हुए। अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 3314 हो गई है। इस बीच संक्रमण के 49 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमण के सक्रिय रोगियों की संख्या 732 है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गोवा को झारखंड के साथ जोड़ा गया है। इस क्रम में बहुत सी गतिविधियां शुरू की गई हैं। लॉकडाउन के दौरान इन कार्यक्रमों की गति धीमी रही और कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से संपन्न किया गया। गोवा के लोक कलाकारों के समूह ने झारखंड में जाकर वहां गोवा के जागर, धालो और अन्य लोकनृत्य पेश किए हैं। वहां के कलाकारों ने गोवा के कलाकारों की सराहना की। ऐसे अनेक कार्यक्रम सफल हुए। बीच में यानी कि मार्च में कोविड के तहत लॉकडाउन शुरू हुआ और इन कार्यक्रमों में थोड़ी सी रुकावट आई, लेकिन फिर वर्चुअल स्तर पर हाल ही में अन्य कार्यक्रम शुरू हुए हैं। ऐसा ही एक वेबिनार संपन्न हुआ, उसमें गोवा और झारखंड के लेखक विद्वानों ने भाग लिया और दोनों राज्यों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी समीक्षा की। गोवा के लेखक विवेक मेनेजिस ने इनमें भाग लिया। झारखंड के कई मजदूर गोवा में है और उन्होंने अर्थव्यवस्था सशक्त रखने में योगदान दिया, ऐसा श्री मेनेजिस ने कहा। ऐसे ही और अन्य कार्यक्रम और वेबिनार भविष्य में आयोजित करने के प्रयास चल रहे हैं। मुकेश थली, आकाशवाणी समाचार, पणजी। कोविड लॉकडाउन के कारण देश के अन्य भागों में फंसे जम्मू कश्मीर के 3,89,213 निवासियों को लखनपुर मार्ग से बसों के जरिए और कोविड स्पेशल रेलगाड़ियों से केंद्र शासित प्रदेश में वापस पहुंचाया गया है। इस दौरान कोविड संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि जम्मू कश्मीर के लिए की गई रेलगाड़ियों की व्यवस्था के तहत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 134 विशेष रेलगाड़ियां जम्मू और उधमपुर पहुंची, जिनमें 1,17,115 लोगों की केंद्र शासित प्रदेश में वापसी हुई। इसके अलावा 2,72,098 यात्री लखनपुर मार्ग से पहुंचे, इनमें विदेश से लौटे 934 लोग भी शामिल हैं। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से अब तक लगभग 13 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। इन्हें एयर इंडिया, निजी और विदेशी एयरलाइंस, चार्टर्ड उड़ानों, जलमार्ग तथा सड़क मार्ग से स्वदेश लाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज पत्रकारों को बताया कि वंदे भारत मिशन का 6वां चरण 1 सितंबर से शुरू हो गया है। इस चरण में 24 देशों से 1,700 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से इस महीने 2 लाख से अधिक लोगों को स्वदेश लाया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़ जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा। यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था, लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है, यानी
बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड 19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 1-4-5-5-5 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य पार कर लिया है। इस वर्ष अप्रैल से अगस्त के दौरान के लक्ष्य 2771 किलोमीटर के मुकाबले 3181 किलोमीटर लंबाई के राजमार्ग बनाए गए। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस वर्ष अगस्त तक राजमार्गों पर 3300 किलोमीटर लंबाई का काम स्वीकृत किया गया था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दोगुने से अधिक है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत बांग्लादेश सीमा को जल्द ही सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस खुली सीमा को सील करने के लिए स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सीमा को बंद करने से बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी। त्रिपुरा और बांग्लादेश को अंतर्देशीय जलमार्ग सोनामुरा दाउकांडी से शीघ्र ही जोड़ दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि पहली बार बांग्लादेश से होकर भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग को त्रिपुरा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 25 सितंबर को प्रायोगिक तौर पर दाउकांडी से जलयान को रवाना किया जाएगा। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि इस पहल से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र और बांग्लादेश के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने कहा है कि 4 भारतीय नागरिकों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियम 1267 के अंतर्गत प्रतिबंधों की सूची में शामिल कराने के पाकिस्तान के प्रयास विफल हो गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पड़ोसी देश ने सांप्रदायिक रंग देते हुए नियम 1267 की विश्व संगठन की प्रक्रिया का राजनीतिकरण करने का अभियान चलाया था। पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा था कि भारतीय नागरिकों को नियम 1267 आईएसआईएस और अलकायदा प्रतिबंधों की सूची में शामिल किया जाए। प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्यों ने इस पर आपत्ति की और इसके बाद परिषद के सचिवालय ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज करते हुए अधिसूचना जारी की। एक सवाल के जवाब में अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कुलभूषण जाधव के मामले में भारत राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तान के संपर्क में है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जहां एक या दो जगह गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। तापमान 29 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे, एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू शहर में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। गिलगित में बारिश के साथ आंधी आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुजफ्फराबाद में बारिश होने की संभावना है। हैदराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक या दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। बेंगलुरु में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। देहरादून में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व में 6 सदस्यीय केंद्रीय दल बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये दल राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा ले रहा है। केंद्रीय गृह, कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी इस दल में शामिल हैं।
टीम के सदस्य तीन अलग अलग समूहों में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिले दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में इस समय बाढ़ से उत्पन्न हालात की समीक्षा कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर कल केंद्रीय दल राज्य के मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगा। इस बीच 16 जिलों के 13,62,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण 7,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली खरीफ फसल बर्बाद हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। वर्ष के आखिरी ग्रैंड स्लैम अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में भारत के सुमित नागल का मुकाबला ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम से होगा। पहले दौर में सुमित ने ब्रैडली क्लान को पराजित किया था। पुरुष डबल्स के पहले दौर में रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव की जोड़ी का मुकाबला अमरीका के अर्नेस्टो एस्कोबेडे और नोवा रूबिन की जोड़ी से होगा। उधर दिविज शरण और सर्बिया के निकोल कैसिक की जोड़ी हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में अमरीका भारत साझेदारी फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत की चीन से कड़े शब्दों में अपील, सीमा क्षेत्रों में तेजी से शांति बहाल करने के प्रयासों में ईमानदारी से सहयोग करें। वित्त मंत्री ने कोविड संकट के कारण ऋण समाधान रूपरेखा लागू करने की तैयारी की समीक्षा के लिए अनुसूचित बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ बैठक की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 77.09% हुई और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य पार। इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक 3000 किलोमीटर से ज्यादा राजमार्ग बनाया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।